हेलो गाइस, मैं हूं मेघा जिंदल, आपकी डेस्टिनेशन वेडिंग एक्सपर्ट। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, एंड डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है या सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, वो होता है वेन्यू को सिलेक्ट करना, वेन्यू चूज करना, जो कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है एंड बहुत कंफ्यूजिंग है। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हम आपको इंडिया की बेस्ट लोकेशंस पर बेस्ट प्रॉपर्टीज का टूर कराने वाले हैं, जिसके चलते आज हम आपको दिल्ली एनसीआर के एक ऐसे ही रिजॉर्ट को विजिट कराने वाले हैं जो बेहद आलीशान है एंड इंडिया की टॉप 5 प्रॉपर्टीज में शुमार है, जिसका नाम है आईटीसी ग्रैंड भारत। तो गाइस, अब हम होटल के अंदर आ चुके हैं एंड दिस इज द मेन सिक्योरिटी चेकिंग पॉइंट। यहाँ पर दे विल कलेक्ट योर लगेज एंड पार्क योर कार। तो गाइस, ये होटल 290 एकर्स के वास्ट एरिया में स्प्रेड है। आप देख सकते हैं दिल्ली की चकाचौंध लाइफस्टाइल से दूर इन द लैप ऑफ नेचर, सारी फैसिलिटीज और एमिनिटीज से लेस है। इस होटल का ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर इंडियन हिस्ट्री से इंस्पायर्ड है। ये होटल आपको और आपके गेस्ट को अलग ही दुनिया में ले जाता है, जो कि सभी को रॉयल एक्सपीरियंस का फील देगा। सो गाइस, आफ्टर द मेन सिक्योरिटी चेक इन पॉइंट टुवर्ड्स लॉबी, ये जो पाथवे है, इस पर आप अपने गेस्ट का वार्म रेड कार्पेट वेलकम कर सकते हैं। हम यहाँ पर अपने गेस्ट को मीट एंड ग्रीट कर सकते हैं, लाइक सम काइंड ऑफ वेलकम, लाइक सम रोल्स नगारा। सो एट द टाइम ऑफ वेडिंग, गेस्ट के वेलकम के लिए वी आर हियर इन द लॉबी। यहाँ पर आप यू नो सम काइंड ऑफ वेलकम प्लान कर सकते हैं, लाइक तिलक गार्लैंड। थैंक यू। दिस इज द ब्यूटीफुल लॉबी विथ नाइस एम्बियंस। So after welcoming and meeting greet your guests, they offer welcome drink and with very luxury, बहुत ही शानी अंदाज में मुझे सिटिंग के साथ ब्यूटीफुल लॉबी देख सकते हैं। एंड दिस एरिया इज वन ऑफ माई फेवरेट एरिया, स्ट्रीट साइड एरिया। नाउ वी आर एट द रिसेप्शन डेस्क, यहाँ पर आपके गेस्ट के चेक इन चेकआउट होंगे। ये आपका हैप्पीनेस एरिया रहेगा, जहाँ पर आपके होटल मैनेजमेंट टीम के सेट। और यहाँ से आप हम जा रहे हैं वॉशरूम ऑल्सो। पिकॉक बार एंड लॉन्च में है, यहाँ पर आप अपना 24 आवर्स के लिए डेडिकेटेडली 24 आवर्स लाउंज क्रिएट कर सकते हैं। टी एंड कॉफ़ी लाउंज, जो कि लॉबी से बहुत ही ज़्यादा पास है, गेस्ट यहाँ से ईजिली चिल कर सकते हैं। जहाँ पर हमने अपने 24 आवर्स का टी कॉफी लंच प्लान किया था, हम जा रहे हैं आरामी पवेलियन में। ये इनका मेन रेस्टोरेंट है और यहाँ पर आपका दोनों दिन के लिए ब्रेकफास्ट सर्व होने वाला। तो अभी हम लॉबी में से ही जो इनके छोटे हॉल्स हैं, अग्नि, जल, वायु, आकाश, तो आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आप अपने छोटे छोटे रिचुअल्स प्लान कर सकते हैं या कंबाइंडिंगली एक वेलकम लंच प्लान कर सकते हैं। सो अभी हम जिस एरिया में हैं, उस एरिया का नाम है संगम। बेसिकली ये दो बैंकेट्स के बीच की लॉबी है, यहाँ पर हम लोग अपना वेलकम लंच प्लान कर सकते हैं। और इनकम्बाइंड बात करें तो आपका जल और अग्नि एंड
ये संगम लॉबी को मिलाकर आप इजीली अपने 150 टू 200 लोगों का वेलकम लंच प्लान कर सकते हैं। या अगर आपने सिर्फ छोटे ही रिचुअल्स हैं तो छोटे रिचुअल्स के लिए, छोटी सेरेमनीज के लिए आप सेपरेटली सिर्फ अग्नि या सेपरेटली जल ले सकते हैं। कुछ रिचुअल्स में लड़की वाले लड़के वाले दोनों पार्टीज इन्वॉल्व नहीं होती हैं, तो उस तरह के जो रिचुअल्स हैं वो आप यहाँ कर सकते हैं। अब हम जा रहे हैं जल में। सो अगेन ये इनका एक और छोटा बॉलरूम है, यहाँ पर भी आप इजीली 40 पीपल की सिटिंग कर सकते हैं। वेरी नाइस कोजी सा हॉल है ये, परफेक्ट है। तो अभी हम जा रहे हैं मेन बॉलरूम की तरफ जिसका नाम है पृथ्वी। तो अभी हम जा रहे हैं पृथ्वी बॉलरूम में। दिस इज द मेन एंट्रेंस ऑफ पृथ्वी बॉलरूम। यहाँ पर हम अपने लाइव काउंटर्स प्लान कर सकते हैं। ये पीएफए एरिया है, पृथ्वी बॉलरूम के बाहर का एरिया। फूड स्टॉल, सम लाइव काउंटर्स, एंड दिस इज द मेन एंट्रेंस ऑफ पृथ्वी बॉलरूम। सो गाइस, अभी हम पृथ्वी बॉलरूम में हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर हम वेरी नाइस कोजी सिटिंग प्लान कर सकते हैं इन योर कॉकटेल फंक्शन। एंड इसकी ब्यूटी देखने लायक है, लाइक बिग बिग शैंडलियर्स, वेरी स्टनिंग हॉल आई मस्ट से। पिलरलेस हॉल है ये, इसका साइज अप्रोक्सीमेटली 5000 स्क्वायर फीट है और यहाँ पर हम लोग 200 गेस्ट की गैदरिंग कर सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं बॉलरूम से एकदम कनेक्टेड पोर्टिको एरिया में, जो बिल्कुल पृथ्वी से बाहर निकलते ही लेफ्ट हैंड साइड में आता है। एंड यहाँ पर हम फंक्शन के टाइम पर अपना मेन कोर्स प्लान कर सकते हैं एंड एक फैब्रिकेटेड कैनेपी लगा सकते हैं जिसके अंदर इजीली गेस्ट अपना मेन कोर्स एंजॉय करेंगे। यहाँ पर भी 5 से 6000 स्क्वायर फीट का एरिया हम कवर कर सकते हैं विद सम नाइस ड्रेपिंग, नाइस सिटिंग। एंड इन टोटल अगर हम बात करें तो पृथ्वी और पोर्टिको एरिया में मिलाकर हम अप्रोक्सीमेटली 400 गेस्ट को गैदर कर पाएंगे। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं पूल साइड में और जैसे कि रिजॉर्ट बहुत बड़ा है, हमें यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गोल्फ कार्ट की जरूरत होती है। तो अभी हम बैठ चुके हैं गोल्फ कार्ट में और जा रहे हैं पूल साइड की तरफ। सो अभी मेन पैसेज है पूल की तरफ। यहाँ पर हम इसको अच्छे से डेकोर करके एक पैसेज क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना हल्दी मेहंदी का फंक्शन प्लान कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप ये भी एक फाउंटेन है जो अभी ओपन नहीं है, बट इसको भी ब्यूटीफुली हम फ्लावर्स से डेकोरेट करके एज अ विजुअल पॉइंट यूज कर सकते हैं। अब हम आगे हैं इनके पूल साइड। पूल एरिया किसी भी होटल का मेन अट्रैक्शन पॉइंट होता है, जहाँ पर हर कोई चाहता है कि उसका कोई ना कोई एक फंक्शन तो जरूर प्लान हो। तो लास्ट टाइम जब हमने यहाँ पर वेडिंग की थी, हमने यहाँ पर मेहंदी, इनफैक्ट हल्दी भी यही प्लान किया था, बिकॉज उस गेस्ट को ये साइट इतनी अच्छी लगी थी कि हमने उनके दो फंक्शंस यहाँ प्लान किए थे। पूल के चारों तरफ हमारे पास काफी अच्छा एरिया है सीटिंग के लिए एंड इसको डेकोर वाइज ऑफ कोर्स हम लोग एनहेंस कर ही सकते हैं। एंड पूल के साथ में ही एक और एरिया है हमारे पास, कवर्ड एरिया, जहां पर एट द टाइम ऑफ फंक्शन हम लोग अपना मेन कोर्स प्लान कर सकते हैं। सो दिस इज अ प्लस पॉइंट कि हमारे पास पूल भी है और पूल के साथ एक कवर्ड एरिया भी है। सो
सो गाइस इस होटल की जो सबसे ज्यादा खासियत है वो ये है कि यहाँ पे आपको 4 to 5 लॉन्स मिल जाते हैं। अभी जिस लॉन में मैं खड़ी हूँ ये लॉन होटल में प्रेमिसेस के अंदर ही है, फाउंटेन के जस्ट नियर बाय है। एंड यहाँ पर आप अप्रोक्सीमेट इसका साइज 10,000 स्क्वायर फीट है एंड 200 to 250 गेस्ट को आप गैदर कर सकते हैं। इस लॉन का नाम है फिरदौस। सो गाइज अभी हम वृंदावन लॉन में हैं। जैसा कि हमने बताया था कि फाउंटेन के राइट एंड लेफ्ट में इनके पास दो लॉन्स है, वन इज फिरदौस एंड सेकेंड इज दिस वृंदावन। तो अभी हम वृंदावन लॉन में हैं। दिस इज ऑल्सो द 10,000 स्क्वायर फीट लॉन एंड दोनों लॉन्स में मिलाकर आप अप्रोक्सीमेट 400 to 500 की गैदरिंग ईजिली कर पाएंगे। आप देख सकते हो कितना लश ग्रीन है, कितना स्पेशियस है, वेरी ब्यूटीफुल डिजाइन एंड वेरी वेल मेंटेन्ड। अभी हम फाउंटेन के पास है। लास्ट टाइम हमने यहाँ पर जयमाला प्लान की थी एंड जयमाला के टाइम पर आप इसको एनहेंस करने के लिए यू नो पाइरोस का यूज कर सकते हो, फ्लावर शावर एंड इसकी जो स्टार चांद लगाता है जयमाला के टाइम पे, उसका पैलेस और बैकड्रॉप जो रात के टाइम में लाइट के साथ अमेजिंग फील देता है। ITC ग्रैंड भारत इंडिया की वेरी फर्स्ट एंड वन एंड ओनली प्रॉपर्टी है जहाँ पर रूम्स हैं ही नहीं। बिल्कुल ठीक सुना है आपने, यहाँ पर रूम्स हैं ही नहीं, यहाँ पर सारे स्वीट्स हैं। तो इन टोटल यहाँ पर 100 स्वीट्स एंड 4 प्रेजिडेंशियल विलाज हैं जो आपके गेस्ट को एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देगी। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए यहाँ पर आप 250 to 300 लोगों को एक्मिडेट कर सकते हैं। तो अभी ITC ग्रैंड भारत की तरफ से हमें नितिन ने ज्वाइन किया है जो हमें होटल के रूम्स के लिए बेटर गाइड करेंगे। नमस्ते, वेलकम टू ITC ग्रैंड भारत। सो गाइज अभी हम इनके लग्जरी स्वीट्स देख रहे हैं जो सेमी प्राइवेट पूल के साथ मिलते हैं। आइए गाइज, ये रूम एक्सेप्शनल है क्योंकि सेमी प्राइवेट पूल के साथ मिलते हैं जिसका मजा ही अलग है। इनकी रूम सेटिंग बहुत स्पेशियस है, हर बेडरूम के साथ एक लिविंग रूम दिया हुआ है। So if we talk about this suite, the ample number of facilities are being provided in this suite. अगर हम बात करें TVs की, we have 2 TVs, first in this drawing room and second is in the bedroom. हर bedroom में इनके पास एक extra bedding का option है जिसको हम use कर सकते हैं, एक one in the living room, this is sofa cum bed and one is in the main bedroom. King size bed. सो द बेस्ट पार्ट फॉर आर स्वीट्स इज कि यहाँ पे हमारे पास प्राइवेसी भी पूरी होती है। सो लाइक अगर आपके गेस्ट बाहर हैं आप इसे क्लोज कर सकते हैं एंड इजीली आप एंजॉय प्राइवेसी। टू द राइट हैंड साइड वी हैव द कॉफी मेकर फैसिलिटीज। यहाँ पे हमारे पास टी कॉफी हर टाइप की चीजें अवेलेबल हैं बेसिक टी कॉफी के लिए। देन वी कैन कम टू द वॉशरूम इटसेल्फ। सो दिस इज द पाउडर एरिया, पाउडर रूम। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास मिरर्स हैं, टॉवल्स हैं, हर तरीके की फैसिलिटी अवेलेबल है। And to the left, we have the bathtub and the shower cabinet. And it is very spacious and a guest can enjoy their night very well. And next to it, we have the side private pool. So, semi private pool, हमारे पास दो door से accessible है. This is the second one from the washroom side. And first one is from the living room. तो गाइस जैसा कि रूम के साथ में अटैच पूल भी मिल रहा है, हालांकि ये सेमी प्राइवेट है बट इसका मज़ा ही अलग है। एक लग्जरी फीलिंग के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। सो आफ्टर सेमी प्राइवेट पूल वी हैव दिस वार्डरोब एरिया। यहाँ पे आपके पास अलमीरा है, इसके अलावा आपका लॉकर भी है। सो आपका एमेनिटीज ऑल सब कुछ सेफ रहेगा एंड एक तरह से ये सब इंटरकनेक्टेड है। हमारे पास वार्डरोब, बेडरूम एंड पाउडर रूम एंड दी लिविंग रूम सारे इंटरकनेक्टेड हैं, तो गेस्ट के लिए कोई भी इशू नहीं आता है। सो गाइस अभी हमने जो रूम देखे हैं ये लग्जरी सुइट्स हैं और इन टोटल इनके पास इस कैटेगरी के 47 रूम्स हैं। सो द बेस्ट पार्ट फॉर आवर सुइट्स इज कि एक तरह से ब्लॉक है, एक ब्लॉक में हमारा अराउंड 4 सुइट्स हैं एंड चारों ही सुइट्स अलग अलग कैटेगरीज के हैं एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इंटरकनेक्टेड हैं। सो द वेडिंग डेस्टिनेशंस के लिए ये परफेक्ट प्लेस है, फैमिलीज के लिए परफेक्ट प्लेस है बिकॉज सारी फैमिलीज एक ही ब्लॉक में इजीली रह सकती हैं। एरिया के स्वीट्स में जा रहे हैं विच इज़ टेरेस। बेसिकली इसे डीलक्स टेरेस बोलते हैं एंड ऑलमोस्ट हमारे तीनों स्वीट्स सिमिलर दिखते हैं, दे आर आइडेंटिकल बट दी एक्सटीरियर फीचर्स मेक द डिफरेंस। सो अगर किसी गेस्ट को प्राइवेट पूल का एंजॉय करना है तो दे कैन, बट अगर इसकी बात की जाए तो टेरेस इज दिस
main facility or the special thing about this trip? तो यहाँ पे हम टेरेस की तरफ जा रहे हैं। आईआईडी से बहुत इजीली हमें टी कॉफ़ी से लेके हर फूड की फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जा सकती है। सो लाइक अच्छे वेदर में दिस इज दी। सो एज अ वेडिंग प्लानर दिस प्रॉपर्टी इज हाईली रिकमेंडेड। एंड इस होटल की भव्यता को गाइस वैसे तो दिखाना इतने शॉर्ट टाइम में बहुत डिफिकल्ट है, बट आई ट्राइड माय बेस्ट। अगर आपको भी यही लगता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स या रिलेटिव में से कोई भी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए वेन्यू देख रहा है तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर डेस्टिनेशन वेडिंग से रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरीज है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर।